हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं ये। बस बेसिकली स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि अगर मतलब समझ में आ जाए चैप्टर का तो ज़्यादा आसान रहता है उसे डील करने में। तो परम्यूटेशन कब लगता है और कॉम्बिनेशन कब लगता है ये देख लेते हैं। परम्यूटेशन स्टूडेंट्स वहां लगता है जहां पर आपको डिफरेंट वेज ढूंढने होते हैं किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फाबेट्स हैं और आपको उन अल्फाबेट्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास तीन अल्फाबेट हैं, टी ई और आई। आपने इन तीन अल्फाबेट्स को अरेंज करके ये बताना है कि कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो ऐसे केस में परम्यूटेशन आपके लिए मदद करेगी। तो परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट करने के लिए मदद आती है और वहां पर ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर परम्यूटेशन की आप बात करेंगे, जैसे आपने अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, डिजिट्स को अरेंज करना है, नंबर्स को अरेंज करना है, तो वी यूज परम्यूटेशन बेसिकली। नाउ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है परम्यूटेशन से। किस तरीके से डिफरेंट है? बेसिकली व्हेन वी सिलेक्ट समथिंग आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ समथिंग वी यूज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको बॉल्स दी हुई हैं, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, येलो बॉल है, उसमें से आपने दो बॉल्स सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है, देन वी यूज कॉम्बिनेशन। तो जहां पर भी सिलेक्शन की बात आती है आपके पास, वहां पर आपका कॉम्बिनेशन आ जाता है। हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आप परम्यूटेशन ही क्यों लगा और कॉम्बिनेशन क्यों लगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है, देन उन्हें अरेंज करना पड़ता है, तो वहां कॉम्बिनेशन एज वेल एज परम्यूटेशन आपके पास लगाया जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो परम्यूटेशन मींस आपके पास सिलेक्टेड ऑलरेडी अल्फाबेट्स हैं, उन्हें सिर्फ आपने अरेंज करना है और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने बताने हैं। और कॉम्बिनेशन जो है वहां पर आपने सिलेक्शन करना है या चूज करना है, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कार्ड्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं या बॉल्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसे हम देखेंगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन ही क्यों अप्लाई किया गया और परम्यूटेशन। अगर देखिए स्टूडेंट आपको क्लियर हो क्वेश्चन में कंसेप्चुअल, हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, क्वालिटी स्टडी नॉट क्वांटिटी स्टडी। 50, 100, 1000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, सबसे पहले ये ढूंढिए कि यहाँ परम्यूटेशन क्यों लगा, यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों लगा, फिर आप लोगों के लिए वो चैप्टर कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बहुत लॉजिकल सा चैप्टर है ये, जैसे प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आपको समझा दी, एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। इस एक्सरसाइज को हमने विदाउट फॉर्मूला यानी लॉजिकल वे से सॉल्व किया है। बाकी भी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको फॉर्मूला तो जरूर समझाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि लॉजिकली उसको डील किया जाए। देखिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, एज्यूमिंग दैट फर्स्ट केस है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, सेकंड केस है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो बेसिकली आपके पास कितनी चीजों की अवेलेबिलिटी, आपके पास 5 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और आपको जो चीज बनानी है उसमें 3 डिजिट ही नीडेड है। तो हम लोगों ने 3 बॉक्सेस बनाए कि हम ये समझ लेते हैं कि इन 3 बॉक्सेस को आपने फिल करना है। अब देखिए, अगर फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर इन 5 डिजिट में से कोई भी एक वैल्यू रखी जा सकती है। अब स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आप एक वैल्यू रखेंगे तो आपने यहां 5 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, 5 वेज हो सकते हैं। वी डोंट नो कि आप 100% तो नहीं कह सकते ना ये 2 से ही स्टार्ट होगा। इट कैन बी स्टार्ट विद 1, इट कैन बी स्टार्ट विद 2, इट कैन बी स्टार्ट विद 3, 4 और 5, यानी इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहां आ सकता है। कौन सा आएगा श्योरिटी नहीं है, हमें सारे वेज बताने हैं, इसलिए हमने लिखा कि 5 में से कोई भी एक डिजिट यहां आ सकता है। 5 में से कोई एक डिजिट यानी 5 वेज हैं इसे फिल करने के। आइदर दैट 3 डिजिट नंबर स्टार्ट विद 5 और 4 और 3 और 2 और 1। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो जो डिजिट आपने यहां रखा है वही सेम डिजिट आप दोबारा भी रख सकते हैं, वही सेम डिजिट आप यहां पर भी रख सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड बाय 5 वेज। दस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू 5 × 5 × 5 दैट इज 125। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5 डिजिट दिए जाएं और आपसे 3 डिजिट बनाने को कहा जाए तो 125
ऐसे वेज हैं जिनसे 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी इन्हीं पांचों नंबर्स का इस्तेमाल कर आप 125 डिफरेंट डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। Is it okay? जब रिपीटेशन आपके पास अलाउड है। सेकंड केस है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या हुआ, सबसे पहला बॉक्स फिल करना है, आपके पास 5 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी एक यहां पुट कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। जैसे ही आपने वो एक डिजिट यूज कर लिया, इट कैन बी 5, 4, 3, 2, 1, जो भी आपने पुट किया, एक डिजिट की अवेलेबिलिटी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कम हो गई आपके पास। नाउ अब आपके पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ 4 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 4 वेज रह जाएंगे, एक जो भी डिजिट इस्तेमाल हो चुका है, देन 4 में से एक और डिजिट यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, अब आपके पास क्या रह जाएंगे, 3 वेज। तो थर्ड प्लेस कैन बी 3 वेज, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 5, 4 × 3, दैट इज 60। दैट मीन्स कि अगर आप 3 डिजिट के नंबर बनाना चाहते हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 60 ऐसे 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं जिन्हें आपने इन 5 डिजिट की मदद से बनाया है, और वह रिपीटेशन वाले डिजिट्स नहीं होंगे, यानी वहां पर 111, 222, 555 ये वाले नंबर नहीं होंगे, जबकि ऊपर वाले केस में ये चीज थी। देखिए प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, एंड सो ऑन, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 5 × 4 × 3, दैट इज 60। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। नाउ आपको कितने डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट, इसलिए हम लोगों ने बॉक्स बना दिए 3। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यहां है वो है इवन नंबर, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट। इवन नंबर, जब इवन नंबर की बात आई है तो सबसे पहले हम लोग जो आपके पास है वो आपका यूनिट डिजिट जो है वो फिल करेंगे आपके पास सबसे पहले। तो आप ये देखिए जो ये वाला डिजिट है, इसमें आप क्या क्या, इस बॉक्स को आप किससे फिल कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट यहां से करते हैं, लेकिन जब इवन नंबर ऑड नंबर इस तरीके की बात हो तो सबसे पहले इसके फिल करने की ऑप्शन आपके पास आती है। तो देखिए अगर आपने इवन नंबर बनाना है इस 3 डिजिट को, तो आइदर वी कैन पुट 2, 4 और 6। तो इस फिलअप को फिल करने की ऑप्शंस कितनी है आपके पास, ओनली 3, 2 या 4 या 6। इसके अलावा अगर आप पुट करेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग यहां कह सकते हैं इसे कितने वेज से फिल कर सकते हैं आप, 3 वेज से, नॉट 6 वेज, 3 वेज ओनली, बिकॉज इवन नंबर बनाना है तो 2, 4, 6 से इसका एंड होना बहुत जरूरी है। अब देखिए टोटल आपके पास 6 डिजिट हैं और इसने यहाँ रिपीटेशन अलाउ करने को कहा है, तो आप यहां पर कितने वेज फिल कर सकते हैं, कितने डिजिट्स की अवेलेबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी, यानी 6 वेज हैं आपके पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, सेकंड प्लेस को फिल करने के भी आपके पास अभी भी 6 वेज हैं, क्योंकि एक भी वे कम नहीं करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर डिजिट्स की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो हम यहाँ 3 वेज लिखते, यहां पर 5 हो जाते, क्योंकि टोटल 6 में से आपने यूज एक ही किया होगा, वो एक अलग बात है कि हमने यहां लिखा है कि 3 वेज हो सकते हैं, यानी 3 डिजिट्स सब्स्टिट्यूट करे जा सकते हैं, पर करा कोई एक ही गया होगा, तो यहां पर 5 रह जाएगा, यहां 4 रह जाएगा, एंड योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम रिपीटेशन अलाउड वाले केस से। अब आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 वेज, दैट इज 2, 4, 6, बिकॉज वी वॉन्ट इवन 3 डिजिट नंबर। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 6 × 6 × 3, दैट इज 108 वेज। आप इसका मतलब यह है कि इन 6 डिजिट की मदद से 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बना सकते हैं, 108 ऐसे 3 डिजिट इवन नंबर बनाए जा सकते हैं जहां रिपीटेशन भी आपके पास अलाउड होगी, यानी यहां पर 222, 444, 666 वाले नंबर भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और जो रिपीटेशन को भी अलाउ करते हैं आपके पास, ऐसे 108 नंबर्स आप बना सकते हैं। तो देखिए परमुटेशन कितना हेल्पफुल है आपके लिए कि आपको एक ही बारी में ये बता देगा कितने ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते थे जो कि 3 डिजिट के भी हों और इवन नंबर भी हों, जो इन डिजिट्स की मदद से हो। तो दीज आर योर अवेलेबिलिटी, और उसके बाद आपको क्या उसमें से चूज मतलब अरेंज करना है वो भी आपको क्लियरली मेंशन है। यहां पर देखिए चूज नहीं करना क्योंकि डिजिट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपने उनको अरेंज करना है। अगर ऐसा कहा जाता कि पहले इन 6 में से 2 डिजिट सेलेक्ट करो तो वहां कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो जाता, बट यहां कोई सिलेक्शन नहीं है, यहां पर आपको सिलेक्टेड डिजिट गिवन है, सिर्फ आपको उनको आगे पीछे अरेंज करके ही इनका आंसर बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4-लेटर कोड कैन बी फॉर्म, तो आपको 4-लेटर का एक कोड बनाना है, फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो आपके पास अवेलेबिलिटी है 10 लेटर्स हैं आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके 10 लेटर्स हैं, और आपको 4-लेटर का कोड बनाना है, तो आपके फिलअप्स कितने हैं, 4 आपके पास फिलअप्स हैं, तो जो फर्स्ट आप पुट कर सकती है
फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शंस कितनी हैं, उन 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर आप चूज कर सकते हैं। माना कि आप एक लेटर चूज करेंगे, लेकिन वेज कितने हैं इसको फिल करने के। इट कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, आइदर इट कैन बी फिल्ड बाय ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन। जब आपने एक लेटर इसमें इस्तेमाल कर लिया इस कोड में, तो आप दोबारा उस लेटर को उस कोड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आपके पास अब कितने रह जाएंगे लेटर्स, 9 रह जाएंगे। फिर आपने एक कोड इसी कोड में एक लेटर इस्तेमाल कर लिया, अब आपके पास कितने रह जाएंगे, ओनली 8, देन 7। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 10 × 9 × 8, दैट इज 5040 वेज हो सकते हैं जिसमें आप 4 लेटर का कोड बना सकते हैं। यानी ऐसे 4 लेटर कोड कितने बनाए जा सकते हैं, 5040 ऐसे 4 लेटर कोड बनाए जा सकते हैं जो कि 10 लेटर से आप लोग निकाल रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 5-डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंप्लीटेड या कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। तो आपको ये बोला गया कि 5 डिजिट का आपको टेलीफोन नंबर बनाना है, तो हमने 5 बॉक्सेस बना लिए, बट उसने क्लियरली मैंशन कर दिया कि जो टेलीफोन नंबर हमने बनाने हैं उनकी स्टार्टिंग 6 और 7 से ही होनी चाहिए। यानी ये प्लेस तो ऑलरेडी फिल्ड है, इसको कोई वेज नहीं दिए जा सकते, ये 6 है और यहाँ 7 है, तो इसका वे कितना हुआ, ओनली 1 वे, दैट 1 वे इज 6। एंड इसका भी सिर्फ एक ही वे आपके पास हुआ। अब आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर्स कितने से, 0 से 9 जो डिजिट्स थे वो आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल थे, तो उसमें से 1 और 2 डिजिट आपके पास यूज हो चुके हैं, यानी अब आपके पास 8 डिजिट रह गए हैं। बिकॉज रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो 2 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी हैं आप उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो 3rd place कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, एक आपका डिजिट और कम हो गया, देन 7 वेज, देन 6 वेज। इसको आप एक वे से ही क्यों रख सकते हैं, क्योंकि क्लियर था या 6 ही रखा जा सकता है या 7। इन दोनों डिजिट को छोड़ने के बाद 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ये आपके पास, सॉरी नॉट 10, 9 तक आपके पास, 0 भी है आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, देन 8, 9, ये डिजिट्स हैं जो कि 8 डिजिट आपके पास हैं, उन्हें आप यहाँ सब्सिट्यूट कर सकते हैं उनमें। इसीलिए यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 8 वेज हैं, 8 तरीके से आप इस चीज को फिल कर सकते हैं। एक जैसे डिजिट इस्तेमाल हुआ 7 and 6, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वे ओनली बिकॉज इट इज गिवन। सेकेंड प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय 1 वे बिकॉज इट इज गिवन। 3rd place कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज एंड 4th place कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 1 × 1 × 8 × 7 × 6, दैट इज 336 वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये आप कैसे देख सकते हैं। देखिए, आपने टॉस कितनी बार करा, तो 3 बॉक्सेस हम लोगों ने बना दिए बिकॉज वी टॉस्ड 3 टाइम्स। अब देखिए, ये जो टॉस का फिलअप है, जब आपने फर्स्ट टॉस करा तो यहां पर हेड भी फिल किया जा सकता है और टेल भी फिल किया जा सकता है। इसका मतलब यहां पर फिल करने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास, 2। साइमल्टेनियसली यहां पर भी फिल करने के कितने ऑप्शन हैं, 2। साइमल्टेनियसली यहां पर भी हेड और टेल, 2। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 8 वेज, दैट इज योर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब देखिए, आपके पास अवेलेबल है 5 कलर्स, 5 कलर के आपके पास है, और आपने एक सिग्नल बनाना है जिसमें 2 ही कलर आप यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम देखिए 2 यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स बना रहे हैं, लेकिन इस फर्स्ट फिलअप को फिल करने के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 आपके पास कलर है, 5 में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन जैसे ही यूज हो गई, देन आपके पास सेकेंड वन आपने यूज करी, तो इसका मतलब आपके पास कितने वेज रह गए, 4। दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ हो सकती है 20। आई होप इट्स क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज 1 है स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज 2 जो है वो परम्यूटेशन के फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो अब उस फॉर्मूला को देख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ फैक्टोरियल को भी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो परम्यूटेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आपकी 7.3 एक्सरसाइज है। उसे हम काफी हद तक लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट एक दो चीजें हैं जो आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करनी है, तो वो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला भी सीख लेते हैं इसका। तो फॉर्मूला परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR। N इज आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है और R आपने कितनी चीजों को उसमें से अरेंज करना है। जैसे अभी आप देखिए, 5 फ्लैग्स थे आपके पास और आपने 2 ही फ्लैग्स को अरेंज करना था, तो योर आंसर इज 5P2। ऐसे ही अगर आपके पास 6 डिजिट्स हो और आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 6P
टू या थ्री जितने भी आपने डिजिट्स का बनाना है वो आपके पास आ जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर. इसे हम लोग एक और फैक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज आर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल. वैसे कई टीचर्स आपको या बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए, इस तरीके से इट्स योर वे, इट्स योर विश बेसिकली. जैसे आप देखिए फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो फैक्टोरियल वर्ड सीख रहे हैं इसका मतलब भी सीख लेते हैं हम लोग. फाइव फैक्टोरियल का मतलब बेसिकली होगा फाइव से लेकर वन तक रिवर्स काउंटिंग मल्टीप्लाई में. यानी अगर फाइव फैक्टोरियल आपके सामने लिखा है तो दैट मीन्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसका मल्टीप्लीकेशन आपके पास 5 फैक्टोरियल है. ओके तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. 8 फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करना है. तो 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा आपके पास, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 40320. तो दैट इज व्हाट फैक्टोरियल ऑल अबाउट. ऐसे ही आपको 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल गिवन है. इट्स रॉन्ग अगर आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इट्स टोटली रॉन्ग. तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा. 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल ऑन द अदर हैंड इज 3 इंटू 2 इंटू 1. ये आपके पास 24 आ गया मल्टीप्लाई करके 6, दैट इज 18. और अगर आप 1 फैक्टोरियल लिखते तो दैट इज रॉन्ग. और रिमेंबर दिस थिंग, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. आपके पास 0 नहीं माना जाता, उसे 1 माना जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, इज द 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? नेवर. रिमेंबर दिस, 6 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होता, ना ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है. इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको क्लियर करा कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल नेवर इक्वल टू 1 फैक्टोरियल. तो यहां पर भी ऐसा नहीं होगा, बस प्रूव करके दिखा देते हैं. तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली विच इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 से लेकर 1 तक का आपके पास रिवर्स काउंटिंग मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ 4 फैक्टोरियल मींस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 30. अगर आप 7 फैक्टोरियल को देखेंगे विच मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 5040. आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, कंप्यूट करना है आप लोगों ने, कैलकुलेटर कंप्यूट करना है आप लोगों ने. दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नाउ 8 फैक्टोरियल के रस्ते में 6 फैक्टोरियल आ जाएगा. आप थोड़ा सा और देखिए, देखिए अगर आप 8 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 टिल 1. तो आप देखिए ये 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चल रहा है, पूरा का पूरा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कट सकता है. तो हम लोगों ने इसे इसलिए यहां पर रोक दिया, 8 ओपन किया, 7 ओपन किया और रोक दिया, क्योंकि 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर हम ओपन करते तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. तो हमने इसे 6 फैक्टोरियल पे रोक दिया. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 फैक्टोरियल मींस 2 इंटू 1, या आपने काट दिया एंड योर आंसर इज 28. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा है इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, फाइंड x. तो आपके पास ये गिवन है, तो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 अपॉन 7 x अपॉन, तो इन दोनों के रास्ते में आपको 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा. तो इसीलिए हम लोगों ने इसे 7 निकाला सिर्फ और 6 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ दिया. सिमिलरली हमने 8 निकाला, 7 निकाला और 6 फैक्टोरियल अभी एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम इसे ओपन करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इसमें भी बन रहा है, इसमें भी, इसमें भी, तो सब में 6 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ दिया. यहां से आपने 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 7, दिस इज x अपॉन 56 फैक्टोरियल 6. ये आपके पास 8 बाय 7 हो गया. ये 1 अपॉन जो फैक्टोरियल 6 है, ये 6 फैक्टोरियल आपके पास यहां जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 64. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको फॉर्मूला गिवन है परमुटेशन का, जिसका यूसेज आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से सीख लेंगे. आपको गिवन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. वहां आपको n की जो वैल्यू है वो 6 सब्स्टिट्यूट करनी है और r की वैल्यू 2. तो n की वैल्यू 6 रख दीजिए, r की वैल्यू अपनी 2 रख दीजिए. दिस इज 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल. इसके रस्ते में आपको 4 मिल जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा एंड दिस इज योर आंसर 30. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच.